रामविलास पासवान, रामदास आठवले, इन दलित नेताओं को सत्ता के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ये दोनों भी सत्ता पिपासु लोग हैं, इन्हें केवल सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, इनका समाज से कोई लेना देना नहीं। ये लोग अवसरवादी लोग हैं, जो सत्ता भोगते हैं, सत्ता भोगना ही इनका एक ही मकसद है। ये दलाली करते हैं मोदी की, योगी की, इसलिए तो ये लोग खामोश हैं। 19 साल की दलित की बेटी मनीषा वाल्मीकि का गैंगरेप होता है, उसके बाद में उसकी हत्या होती है। समाज में भयंकर आक्रोश व्याप्त है, किंतु ये दलित समाज के सफेदपोश नेता, बेरहम नेता आज भी खामोश हैं। खामोश इसलिए है कि उनकी कुर्सी सलामत रहे। कुर्सी की धूल चाटने वाले दलित नेता, इन पर जनता थूक रही है। यूपी के बलरामपुर में एडमिशन करने गए एक लड़की पर 5वीं बलात्कार होता है, वो रास्ते में ही मर जाती है। यूपी के बुलंदशहर में ही नाबालिग लड़की को अगवा करके उसका रेप किया जाता है। यूपी के आजमगढ़ में ही पड़ोस की लड़की पर बलात्कार होता है। यूपी के भदोही में 11 साल की लड़की का रेप करके उसकी हत्या की जाती है। मध्य प्रदेश के खरगोन में नाबालिग लड़की पर 3 लोगों ने बलात्कार किया, फिर भी ये लोग, ये नेता खामोश है। बापू ये क्या हो रहा है तुम्हारे देश में, बापू ये क्या हो रहा है तुम्हारे देश में। आप देख रहे हैं मुकनायक इंडिया टीवी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक और शेयर करना ना